हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सीधा यूएई से। साउथ अफ्रीका के तीन बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों में शामिल होने के लिए यूएई पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो सीएसके की टीम के खिलाड़ी फफ डुप्लेसी, स्टार बैट्समैन, यूएई पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ सीएसके के ही उनके साथी खिलाड़ी और तेज गेंदबाज लुंगी एंगिडी भी सीधा यूएई पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले कगिसो रबाडा भी सीधा यूएई लैंड कर चुके हैं। अब ये तीनों खिलाड़ी 6 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे, अलग अपने अपने कमरों में अकेले रहेंगे, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इस आईपीएल का, जो बीसीसीआई ने तय किया है। कोई भी खिलाड़ी बाहर से आएगा, कोई भी स्टाफ बाहर से आएगा, कोई भी जो भी आईपीएल से जुड़ा है वो बाहर से आएगा, तो कम से कम 6 दिनों तक पहले वो क्वारंटीन रहेगा। उन 6 दिनों के दौरान पहले दिन उसका टेस्ट होगा कोरोना का, उसके बाद तीसरे दिन टेस्ट होगा और उसके बाद 6ठे दिन टेस्ट होगा। अगर ये तीनों टेस्ट नेगेटिव पाए जाते हैं, उसके बाद ही उस खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो ये तीन बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी टीम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं यूएई। ये बहुत अच्छी खबर है कि सभी खिलाड़ी धीमे धीमे पहुंच रहे हैं। भारत के खिलाड़ी पहले ही पहुंच चुके हैं, भारत के सभी खिलाड़ी पहले ही यूएई पहुंच चुके हैं। और अब बारी है बाहर से विदेशी खिलाड़ियों के आने की। अभी बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी हैं जिनकी अपनी अपनी सीरीज चल रही हैं, जिस वजह से वो अभी तक यूएई नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में इंतज़ार इन सभी खिलाड़ियों का है कि वो जल्द से जल्द यूएई पहुंचें, अपनी टीम के साथ मिलें, अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करें। आपको पहले ही पता होगा कि कोरोना की वजह से सीएसके की कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। 2 खिलाड़ी और कुल मिलाकर 11 सपोर्ट स्टाफ के लोग, जिस वजह से 13 लोगों की वजह से पूरी टीम को क्वारंटीन रहना पड़ा है। इस वजह से वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी टीम्स अपनी अपनी तरह प्रैक्टिस कर रही हैं, चाहे आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम ले लें, आप दिल्ली कैपिटल्स का नाम ले लें, बाकी सारी टीमें सीएसके को छोड़ के अपनी अपनी जगह पर प्रैक्टिस कर रही हैं। लेकिन सीएसके इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है क्योंकि सभी का क्वारंटीन पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उन्हीं की टीम के कई सारे खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब ऐसे में ये जो बाहर से विदेशी खिलाड़ी आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है इनका भी क्वारंटीन होना और उसके बाद सब एक साथ मिलकर उसके बाद प्रैक्टिस में शामिल होंगे जैसे ही सबका क्वारंटीन पीरियड ओवर हो जाता है। आप क्या मानते हैं इस खबर पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।